ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवती नमस्तुते भक्तेर भवति नैष्ठिके भक्तेर भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 19वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो ब्रवीयाद् आत्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये अभिहिंसान्। बड़े हार्ड बज गए, मेरे साथ पढ़िए। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं, अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रयाद् आत्मनो मे, यावत् तेजो विभ्रयाद् आत्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये अभिहिंसान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये अभिहिंसान् शब्दार्थ है। अतः अतः भजिष्ये मैं स्वीकार करूंगा। कौन कह रहे हैं? कर्दमा मुनि। किसको? स्वयं वह मनु को, अपनी पुत्री उनको देने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं अतः अतः भजिष्ये मैं स्वीकार करूंगा समय शर्त के साथ। मैं आपको कह रहा था ना, एक शर्त रखी थी हमने, साध्वीं कुमारी को यावत जब तक तेज वीर्य विभ्रयात धारण करे आत्मना मेरे शरीर से मेरे, अतः तत्पश्चात धर्म कर्तव्य पारमहंस मुख्यान श्रेष्ठ परम हंसों का शुक्ल प्रोक्ताम भगवान विष्णु द्वारा बताए बहु अधिक मन्ने मैं विचार करूंगा अभिहिंसान द्वेष से रहित होकर। अतः इस कुमारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर धारण कर चुकेगी, मतलब जब ये गर्भवती हो जाएगी या ये बच्चे पैदा कर लेगी, तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। तो वहां वहां है उनका मन परम सिद्ध बनना। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं ग्रस्त में, कोई गलती नहीं है। जब आप फैमिली हो जाए उसके बाद आप भगवान की भक्ति के लिए अगर जाते हैं, कोई द्वेष नहीं है। ये कर्दमा मुनि बता रहे हैं स्वयं व मनु को। मेरे साथ पढ़िए। अतः इस कुंवारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा, इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है, इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है, और यह द्वेष रहित है, और यह द्वेष रहित है। ये हमारे इवनिंग क्लास में ये हो चुका है, क्योंकि वो आपसे थोड़ा आगे। एक माता जी बहुत बहुत नाराज हुई थी कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको लगा देवभूति के लिए अन्याय है, उनको लगा ऐसा। तो बाद में जब
कर्दमा मुनि बाद में देखा तो बहुत खुश हो गई वो। तो शुरू में लगता है ऐसा, कोई भी लड़की राजकुमारी हो और पति कह रहा है जैसे ही इसका ये गर्भ धारण करेगी मैं गृह त्याग कर दूंगा, तो बड़ा अटपटा है ना। लेकिन देखिए कितनी ये सुंदर कहानी है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रपात के द्वारा, शीला प्रपात की जय। कर्दम मुनि ने सम्राट स्वयंभू से अत्यंत सुंदरी पत्नी के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और सम्राट के पुत्री से विवाह करना स्वीकार कर लिया। कर्दम मुनि आश्रम में रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। यद्यपि उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी, किंतु वे आजीवन गृहस्थ जीवन भी नहीं बिताना चाह रहे थे, क्योंकि वे मनुष्य जीवन के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया विज्ञ थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन के प्रारंभिक भाग को चरित्र यानी शील तथा गुणों के विकास के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य में बिताना चाहिए। जीवन के बाद वाले भाग में वह विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कुत्ते बिल्लियों की भांति संतान उत्पन्न ना करे। कर्दम मुनि ने ऐसी संतान उत्पन्न करना चाहते थे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक किरण हो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संतान उत्पन्न करे जो भगवान विष्णु की सेवा कर सके, अन्यथा कोई संतान ना जने। उत्तम पिता के दोनों प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, एक तो वे जो कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षित हों जिससे उसी जीवन में माया के बंधन से मुक्त हो सके, और दूसरी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरण होती है जो विश्व भर को जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षा देती है। आगे के अध्याय में बताया जाएगा कि कर्दम मुनि ने ऐसा ही एक पुत्र कपिल उत्पन्न हुआ जो भगवान का अवतार था और जिसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े गृहस्थ भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं कि वे अपना प्रतिनिधि भेजें जिससे मानव समाज में एक कल्याणकारी अभियान चलने लगे। संतान उत्पन्न करने का एक कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि अत्यंत प्रबुद्ध माता पिता अपने संतान को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं जिससे इस दुखमय संसार में उसका फिर से आना ना हो। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि बच्चे को फिर से किसी माँ के घर में ना लौटना पड़े। यदि इसी जीवन में बच्चे को मुक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती तो ना तो ब्याह करने की और ना संतान उत्पन्न की आवश्यकता है। यदि मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न की जाए तो यह संसार नरक बन जाएगा, जैसा कि इस कलयुग में हो रहा है। इस युग में ना तो माता पिता ना ही संतानें प्रशिक्षित हैं, दोनों ही पशु सदृश हैं और वे केवल खाते सोते संभोग करते रक्षा करते और अपने इंद्रियों को ही तुष्टि देते हैं। सामाजिक जीवन की व्यवस्था से मानव समाज में शांति नहीं लाई जा सकती। कर्दम मुनि ने पहले ही ये बता दिया कि वे द्वैभूति के साथ आजीवन नहीं रह पाएंगे। वे उसके साथ तब ही तक रहेंगे जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में विषय जीवन का सदुपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने में होना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। मनुष्य जीवन भगवान की पूर्ण भक्ति के लिए है, यही भगवान चैतन्य का दर्शन है। उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए और सिद्धि की परमहंस अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। परमहंस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था है। संन्यास जीवन में चार अवस्थाएं होती हैं जिनमें परमहंस सर्वोच्च अवस्था है। श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं जो उच्च श्रेणी के मनुष्यों के हेतु ग्रंथ है। परमहंस द्वेष मुक्त होता है। अन्य अवस्थाओं में यहाँ तक गृहस्थ जीवन में भी स्वार्थ और द्वेष पाया जाता है, किंतु परमहंस अवस्था में मनुष्य कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः अनुरक्त रहता है। अतः देश के लिए कोई, द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। कर्दम मुनि की ही तरह लगभग 100 वर्ष पूर्व ठाकुर भक्ति विनोद ने भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो भगवान चैतन्य के दर्शन तथा उपदेशों का प्रचार कर सके। भगवत कृपा से उनके एक
उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज था, जो संप्रति पूरे विश्व में अपने प्रामाणिक शिष्यों की सहायता से भगवान चैतन्य के दर्शन का उपदेश दे रहे हैं। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद जो बात बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये इन्होंने एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन था, जो उपदेश था, वो शुरू में बहुत अच्छा चला, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जज थे पुरी में, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट होते हैं ना, जो जज जज भी होते हैं, बहुत विद्वान थे। उनको बहुत कठिन कोई समस्या है, किसको क्या जजमेंट दिया जाए, उनको बुलाते थे। और क्योंकि वो भगवान के परम भक्त और शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य थे, ग्रस्त थे, ग्रस्त होते हुए वो ये सब करते थे, तो उनको बुलाते, वो बहुत लिखते भी थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के का जो ये दर्शन है इसको उठाया, उन्होंने काफी लिखा, काफी किताबें लिखी हैं उन्होंने। और लेकिन एक तो वो ग्रस्त थे, दूसरा वो नौकरी करते थे। तो वही जो मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि भक्ति विनोद ठाकुर 2.5 घंटे से ज्यादा कभी सोए नहीं, क्योंकि दिन में ऑफिस का काम, घर आते थे, घर आने के बाद उनके कुछ कार्यक्रम होते थे, उसके बाद वो लिखते थे। और फिर वो जो उनका कभी आएगा वर्णन, तो उनका टाइम शेड्यूल था, 2.5 घंटा सोते थे सिर्फ। तो फिर भी क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश था वो पूरी तरह लोगों में जान, क्योंकि आपको बाहर जाके लोगों को देना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती, वो किताबें लिखते थे और काफी सम्मान था उनका, और कुछ शिष्य लोग भी थे, लेकिन वैसा प्रचार नहीं कर पा रहे थे जैसा वो चाहते थे। जब आप मायापुर जाते हैं, जहां पर उनका प्राकट्य स्थान है चैतन्य महाप्रभु का, वहां पर मंदिर बनवाए उन्होंने, काम बहुत किए, और एक एक रुपया, एक एक टका सबसे लेकर के, दान लेकर के मंदिर बनाया। जब आप जाएंगे उधर तो कभी आपको देखने को मिलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल बैठ गया था चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं अकेला, मुझे एक पुत्र दे दो ऐसा जो इस कार्य को संभाले। उसके बाद उनके पुत्र हुए कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद के गुरु। उन्होंने उन्होंने इस चीज को बचपन से ही, जब वो बहुत छोटे बच्चे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर आम लेके आए, और क्यों, भगवान को अर्पित करने के लिए। वो छोटा बच्चा था, उसको क्या पता, उसने आम उठाया और मुंह खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो भगवान के लिए था, तो ये तो भोग लगाना था। उतने छोटे बच्चे ने अपनी गलती महसूस की, उन्होंने जिंदगी भर आम नहीं खाया। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी आम नहीं खाया प्रायश्चित करने के लिए। और वो इतने प्रकांड विद्वान हो गए बाद में। एक जगह एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को कोई बोलने के लिए बुलाया था, भगवान ये भक्ति योग के बारे में कहीं पर उनको लेक्चर देना था किसी गोष्ठी में, तो उनको उन्होंने हाँ भी भर दी, लेकिन कुछ ऐसा काम आ गया कि वो जा नहीं पा रहे थे, तो वो असमंजस में थे, क्या करूं। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं, आप चाहें तो मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम बोल सकते हो इसके बारे में। उन्होंने कहा मैं आपको सुनाता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो मैं जाके बोल सकता हूं। तो उन्होंने बोला अपने पिताजी के सामने, पिताजी को लगा ये तो मेरे से भी अच्छा बोल रहा है, कहा जाओ। इतने प्रकांड थे। उन्होंने
ग्रस्त जीवन नहीं स्वीकार किया, वो ब्रह्मचारी रहे। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु, प्रभुपाद ने एक ही बार देखा उनको, मेरे में भी घंटा 40-45 मिनट जो भी देखा, प्रभुपाद के अंदर इतनी छाप पड़ गई उनकी। प्रभुपाद उनके बाद में शिष्य भी बने और प्रभुपाद ने उनके कहने के हिसाब से इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। तो ये उनके बारे में बात हुई। भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के गुरु हैं ये, तो ये आए करके बताया। ऐसी संतान अगर हो जाए तो कभी ये लोगों के काम आते हैं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, यतो अभवत विश्वमिदं विचित्रम संसास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतिनां पतिरेषमय्यं परम प्रमाणं भगवान अनंतः। मेरे साथ पढ़िए, यतो अभवत विश्वमिदं विचित्रम यतो अभवत विश्वमिदं विचित्रम यतो अभवत विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते संस्थास्यते यत्र च वा अवतिष्ठते प्रजापतीनां परिते समयम् परम प्रमाणं भगवान अनंतः। शब्दार्थ है यतः, जिससे अभवत प्रकट हुआ, विश्वम सृष्टि इदम यह, विचित्रम आश्चर्यजनक, संस्थास्यते विलीन हो जाएगा, यत्र जिसमें च तथा वा या अवतिष्ठते इस समय उपस्थित है, प्रजापति नाम प्रजापतियों का पति ही भगवान, एषः यः मह्यं मुझको परम सर्वोच्च प्रमाणम प्रमाण भगवान परमेश्वर अनंतः असीम, मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत से ही भगवान है, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है, वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं भगवान। जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं, ये कह रहे हैं कर्दम। मेरे साथ पढ़िए, मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है, वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं, जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं, हाँ, उनके मूल तो भगवान हैं, ये कह रहे हैं। कर्तव्य मुझे तात्पर्य। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था जो इस विराट ब्रह्मांड के ग्रहों में बस सके, किंतु श्री कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि उनके पिता प्रजापति थे जिन्होंने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था, किंतु वास्तव में उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ही है, क्योंकि वे ही सर्वस्व के मूल है, वे ही इस ब्रह्मांड के वास्तविक सृजन करता है, वे ही इसके पालक है, और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो यह उन्हीं पर आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवतम का यही निष्कर्ष है। सृजन पालन तथा संहार के तीन देवता ब्रह्मा श्री विष्णु तथा महेश्वर शिव है, किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो श्री विष्णु के गुणात्मक विस्तार है। भगवान श्री विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप है और वे पालन का भार ग्रहण करते हैं।
उनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। जीव असंख्य है और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत है। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त इन असंख्य जीवों की अनंत आवश्यकताओं को अन्य कोई पूरा नहीं कर सकता। ब्रह्मा को सृजन करने का तथा शिव को संहार करने का आदेश दिया गया है। बीज का कार्य जो पालन का है वह भगवान श्री विष्णु के जिम्मे है। श्री कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के कारण भली भांति जान रहे थे कि भगवान श्री विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह है। जो कुछ भगवान श्री विष्णु चाहते हैं वही उनका कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतान उत्पन्न करने हेतु उद्यत न थे, वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो भगवान श्री विष्णु के संदेश का संवाहक बने। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए तथा असुरों के विनाश के लिए श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। विवाह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण है जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लद जाते हैं। मनुष्य को परिवार, देवता, पितर, ऋषि आदि के प्रति ऋण होता है, किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में अपने आप को अनुरक्त रखता है जो वास्तव में पूजनीय है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कर्दम मुनि ने श्री भगवान की सेवा में दास के रूप में परमहंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे ब्रह्मांड के रिक्त स्थानों को भरने हेतु अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कितने लोगों के ऋणी हो जाते हैं। आप देखें, एक तो सबसे बड़े ऋणी हम अपने माँ बाप के हैं और माँ का पर्टिकुलरली। माँ हमको बहुत कष्ट से अपने गर्भ में धारण रखती है, फिर माँ को बहुत कष्ट होता है, कष्ट बच्चे को भी होता है ऐसा इसमें बताया गया, उसको हालांकि याद नहीं रहती लेकिन माँ का ऋण है। उसके बाद अगर कोई दाई माँ है उसका ऋण है। उसके बाद आपके परिवार में आपकी दादी है, ये है, उनका ऋण है। आपके मित्रों का ऋण है, कहीं ना कहीं आपको मदद किया। फिर आप छोटे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के जो टीचर हैं उनका ऋण है आपके ऊपर, जिस बस में आप जाते हैं उस बस के ड्राइवर का ऋण है आपके ऊपर, कंडक्टर का ऋण है आपके ऊपर, स्कूल में टीचर्स का ऋण है आपके ऊपर। उसके बाद आप सोते जाइए, आप कॉलेज गए वहाँ ऋण है, यूनिवर्सिटी गए वहाँ ऋण है, फिर आप नौकरी में लगे, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उनका ऋण आपके ऊपर है। तो ये इतने ऋण हमारे ऊपर होते हैं तो ये ऋण चुकाना असंभव हो जाता है कि किस किस का ऋण कितना चुकाएं कहाँ कहाँ। उसके बाद आप जानते हैं जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर का ऋण आपके ऊपर, और ये होता जाता है। अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएं, ये सारे ऋण उतर जाते हैं। माधवेंद्रपुर ने यही एक श्लोक लिखा उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, कि मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं ये कंस को जो जिन्होंने मारा है मैं उनकी सेवा में लग चुका हूं, अब मुझे क्षमा करें। और वहां पर बहुत अच्छा वर्णन है कि अब आप जब आप भगवान के सेवा में लगे हैं तो आपको जो भी आपने किया है, जो भी ऋण आपके ऊपर है, सब आप उऋण हो जाते हैं भगवान की सेवा। ये प्रभुपाद ने लिखा भी है कि सब चीज जितना भी आपने आपके ऊपर ऋण है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो लोग आपको कभी मिलते हों तो आप उनको मिलने की कोशिश ही ना करें, ऐसा नहीं, ऐसा तो आप हो ही नहीं सकते। भक्ति में तो आदमी बहुत विनम्र हो जाता है, लेकिन आपको वो कर्ज नहीं रहते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात बताई मैत्रेय वाचा। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था माता जी को वो ऋण नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि पत्नी आई, पत्नी का भी ऋण है, इतनी सेवा की देवहूती ने कर्दमा मुनि की, इतनी सेवा अब आप पढ़ेंगे आगे कितनी सेवा करती है, तो ऋण अगर वो भगवान की भक्ति में चले जाते हैं तो ऋण नहीं रहेगा, उऋण हो जाएंगे। हालांकि
भौतिक दृष्टि से आपको लगता है कि ये देवहूति के लिए अन्याय हो रहा है, किसी को भी लगेगा, लेकिन अभी नहीं हुआ, जब होगा तब आप देखिए वो इतने भगवान का महान भक्त है, वो ऐसा कैसे होने देगा। मैत्रेय उवाच स उग्र धन्वन् यदेव आबभासे आसी चतुष्णीम अरविंद नाभम धियोपग्रहण स्मित शोभितेन खेन चेतो लुलुभे देव भूत्या। मेरे साथ पढ़िए, मैत्रेय उवाच स उग्र धन्वन्। दो नौ में से एक नौ में जाता है, एक वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, संस्कृत का है ये खेल। स उग्र धन्वन् देव आवभासे स उग्र धन्वन् यदेव आवभासे आसीच तूष्णीम अरविंद नाभम आसीच तूष्णीम अरविंद नाभम धियोपग्रहण स्मित शोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देव भूत्या। मैत्रेय ऋषि मैत्रेय उवाच कहा सह वह कर्दम उग्र धन्वन हे योद्धा विदुर, विदुर को बता रहे हैं, इयत इतना ए वही आवभासे बोला आसीत हो गया च यथा तुष्ण मौन अरविंदनाभम भगवान विष्णु जिनकी नाभि कमल से भूषित है धिया विचार से उपग्रहण पकड़ते हुए स्मित शोभित शोभितेन अपनी मुस्कान से सुशोभित मुखेन अपने मुखमंडल से चेतः मन लुलुभे मोहित हो गया देवहूत्या देवहूति के। श्री मैत्रेय ने कहा हे योद्धा विदुर कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाभ पूज भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वो मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। बताइए मेरे साथ पढ़िए, श्री मैत्रेय ने कहा हे योद्धा विदुर कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाम पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। और वो मुनि का ध्यान करने लगी। तात्पर्य हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, भगवत नाम प्रभु पाजी की जय। प्रभु पाजी के द्वारा तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। माइक आपका कट रहा है। विष्णु भावना में भक्ति चिंतन में ये कि उनके कोई आता उनका दूसरा कोई कार्य ही नहीं रह जाता, भले ही ऊपर से वे कुछ करते दिखें किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वह अप... हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी इसको फिर से न जाने कितने प्रशंसकों शिष्यों तथा अन्यायियों के हृदय कृष्ण भक्ति की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वह अपनी हंसी से न जाने कितने प्रशंसकों शिष्यों तथा अनुयायियों के हृदय को जीत लेता है। भगवान का भक्त भक्त अगर आपके तरफ मुस्कुराता है आप धन्य हैं, धन्य है। अगर वो ऐसे चितवन हमको देते हैं, स्मित चितवन जिसे कहते हैं, तो हमारा कल्याण हो जाता है। इतना महान भक्त तो देवती ने देखा, उसको अच्छा लगा देवती को, लेकिन माँ बाप को थोड़ी अच्छा लग सकता है। किसी भी लड़के को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन स्वयं मनु ने पति की तरफ भी देखा, पुत्री को भी देखा, तो उन्होंने देख का मतलब समझ गए कि वो लोग तैयार हैं, उन्होंने हाँ भर दी। सो अनुज्ञात्वा व्यवस्थितम महिषा दुहितो स्फुटम तस्मै गुण गणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षत प्रहर्षितः। मेरे साथ पढ़िए, सो अनुज्ञात्वा व्यवस्थितम महिषा दुहितुः स्फुटम् महिषा दुहितुः स्फुटम् तस्मै गुण गणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः शब्दार्थ सह वह सम्राट मनु। अनु तदंतर ज्ञात्वा जानकर व्यवस्थितम दृढ़ संकल्प महिष्या रानी का दुहितो अपनी पुत्री का स्फुटम स्पष्ट रूप से तस्मय उसको गुण गण आढ्याय अनेक गुणों से संपन्न ददौ अर्पित किया अर्पित कर दिया तुल्यम समान सम गुणों में प्रहर्षितः अत्यधिक प्रसन्न। रानी शत्रुपा तथा देवती दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर जान लिया वो क्या चाहते हैं। सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। मेरे साथ पढ़िए, रानी शत्रुपा तथा देवती दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। तेईसवां श्लोक, शत्रुपा महारागी पारिबर्हान महाधनान दंपत्यो पर्यदात्या भूषावासः परिच्छदान। मेरे साथ पढ़े, शत्रुपा महारागी पारिबर्हान महाधनान दंपत्यो पर्यदात प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान। शब्दार्थ है शत्रुपा, शत्रुपा महारागी महारानी, पारिबर्हान दहेज महाधनान बहुमूल्य भेंट दंपत्यो वरवधु को पर्यदात दिया प्रीत्या प्रेम पूर्वक भूषा आभूषण वासह वस्त्र परिच्छदान गृहस्थी की वस्तुएं। महारानी शत्रुपा ने वरवधु बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें तथा यथा आभूषण वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। मेरे साथ पढ़ते, महारानी शत्रुपा ने वरवधु यानी बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण वस्त्र तथा गृहस्थ की वस्तुएं प्रदान की।
तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान की। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का द्वारा तात्पर्य, आज भी भारत में कन्या दान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत के अनुसार होती हैं। परिबरहान महाधनान का अर्थ है विवाह के समय दूल्हे को दिया जाने वाला दहेज। यहाँ पर महाधनान का अर्थ होगा एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। भूषा बासा परिच्छदान का अर्थ गृहस्थी की वस्तुएं हैं। एक सम्राट की पुत्री के विवाह उत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं कर्दम मुनि को जो अभी तक ब्रह्मचारी थे दी गई। दुल्हन के वेश में देवभूति बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्तुओं से सुसज्जित थी। इस प्रकार कर्दम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर देते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सदिच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है जो अनिवार्य है। जहाँ पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहां पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है। वैदिक जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार के दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहां दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये भेंट जैसी है जो प्रभुपाद ने पल्लवी माता जी का उत्तर भी दे दिया नीचे, जहाँ पैसा नहीं है फल फूल दे दें कुछ करें, ये होता है, गरीब कहाँ से दे इतना ये चीज ये। लेकिन ये प्रथा बहुत गड़बड़ हो चुकी है। जो ये प्रथा है कि माँ बाप जितना दे सकते हैं देंगे, लेकिन उनके ऊपर कंपल्शन नहीं होना चाहिए, तो दहेज में ये चीज नहीं होनी चाहिए। दहेज एक ढंग से बेटी को उपहार है, तो वो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं वो जरूरी है। 24वां श्लोक, प्रता दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन अतिताशय। मेरे साथ पढ़िए, प्रताम दुहितरम सम्राट, प्रताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः सदृक्षाय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन मथिताशय मथिताशय। शब्दार्थ है प्रताम दान दी गई दुहितरम कन्या को सम्राट राजा मनु सदृक्षाय उपयुक्त व्यक्ति को गत व्यथा भार से मुक्त उपगुह्य चूमकर तथा बाहुभ्याम अपने दोनों हाथों से औत्कंठ उन्मथित आशय अत्यंत उत्सुक एवं क्षुब्ध मन इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं व मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा, क्योंकि बेटी बाप से अलग हो रही है और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयं व मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। तात्पर्य माता जी, श्री कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य की प्रभुपाद द्वारा, पिता जब अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता
तब तक वो चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब तक अपनी संतान का विवाह नहीं कर लेते तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है, और जब पिता अपना कर्तव्य निर्वाह कर लेता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। चिंता माँ बाप को जब तक कोई ये आश्वस्त न हो जाए कि लड़की वहां सुखी रहेगी तब तक माँ बाप को चिंता बनी रहती है, क्योंकि क्या एक ऐसा प्रावधान है लड़की बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाती है, माँ बाप के साथ उसका अपने को एडजस्ट कर लिया अच्छी तरह से, लेकिन एक चीज ये होता है दिल में लड़की का कि उसको ये जगह तो छोड़नी पड़ेगी एक बार, तो इससे कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी। हमारे जानने वालों में एक लड़की, उसने कहा मैं अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हो, मैं नहीं करूंगी शादी, क्योंकि इतना अटैचमेंट होता है माँ बाप से। तो ये और वो एनवायरनमेंट बिल्कुल दूसरा है जहाँ वो चाहते हैं, लेकिन ये है ऐसा बना, ऐसा ही है। अशक्नुवन् तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुहुः आसिञ्च दम्भवत्सेति नेत्रोदयदुहितुः शिखाः। मेरे साथ अशक्नुवन् अशक्नुवन् तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलामुहुः आसिञ्च दम्भवत्सेति नेत्रोदयदुहितुः शिखा शब्दार्थ है अशक्नुवन् न सह सकने के कारण तद विरहम उसका वियोग बेटी का, बाप जब उसको गले लगाया बेटी का कि इतने होता है मुंचन और इतनी अच्छी बेटी मुंचन गिराते हुए बाष्प कलाम आंसू मुह हो पुनः पुनः आसिंचन भीग गया अम्ब मेरी माता बेटी को कह रहा है वत्स मेरी प्रिय पुत्री इति इस प्रकार नेत्र उदय नेत्रों के जल से दुहित हो अपनी पुत्री का शिखा बालों का गुच्छा भीग गया। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया, वे बिलख पड़े मेरी माता मेरी प्यारी बेटी ये कहते। मेरे साथ पढ़िए सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया और उनकी पुत्री का सिर भीग गया, वे बिलख पड़े मेरी माता मेरी प्यारी बेटी तात्पर्य। हरे कृष्णा वर्षा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अम्ब शब्द महत्वपूर्ण है। पिता अपनी पुत्री को प्यार में कभी माता तो कभी मेरी बिटिया कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, क्योंकि जो ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की गृहिणी बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती, जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक वह अपने पिता की संपत्ति रहती है, और जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं हो जाते और स्वयं सयानी नहीं हो जाती अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। वृद्ध अवस्था में जब पति संन्यास ग्रहण करता है और घर छोड़ देता है तब वह अपने पुत्रों की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदैव ही अपने पिता पति अथवा पुत्रों पर आश्रित रहती है।
ऐसा हमें देवहूति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवहूति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व उसके पति श्री कंदर्व मुनि को सौंप दिया और उसी प्रकार श्री कंदर्व मुनि भी अपने पुत्र कपिल को जिम्मेदारी सौंप कर गृह त्याग कर चले गए। इन घटनाओं का वर्णन अपने अपने कथानकों में एक एक करके किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आमंत्रतम मुनिवर मुनिवरम अनुज्ञातः सह अनुग्रह प्रतस्ते रथम आरुह्य सभार्यः स्वपुरम नृपः। अपने पुरी को लौट गए। उभयो ऋषि कुल्याया सरस्वत्या सुरो दशो ऋषीणाम उपशांतानाम पश्यना पश्यन आश्रम संपदः। मेरे साथ पढ़िए। आमंत्र तम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुग्रह प्रतस्थे रथम आरुह्य सभार्यः स्वपुरम स्वपुरम नृपः उभयो ऋषिकुल्याय सरस्वत्या सुरो दशो ऋषीणाम उपशांतानाम पश्यन आश्रम संपदः। शब्दार्थ है आमंत्र जाने की अनुमति लेकर तम उससे मुनिवरम मुनियों में श्रेष्ठ कर्दम से अनुज्ञातः जाने की अनुमति पाकर सह अनुग्रह अपने सेवकों सहित प्रतस्थे प्रस्थान किया। रथम आरुह्य रथ में चढ़कर स भार्यः अपनी पत्नी के साथ स्वपुरम अपनी राजधानी को नृपः राजा उभयो दोनों पर ऋषि कुल्याया ऋषियों को स्वीकार सरस्वत्या सरस्वती नदी का सुरो दसो सुहावने किनारे ऋषिणाम ऋषियों का उपशांतानाम शान पश्चन देखते हुए आश्रम संपदः सुंदर आश्रम की समृद्धि। तब महर्षि ने महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रम को की स्मृति को देखते रहे। मेरे साथ पढ़िए। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। हाँ, वहाँ ऐसे ऋषियों के आश्रम होंगे ना सरस्वती नदी के किनारे। जो लोग कभी भी यहाँ जाए गुजरात, कोशिश करिए यहाँ जाने की, बहुत पवित्र जगह है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल्प उपाद जी के द्वारा। शिल्प उपाद जी की जय। आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषि
कुल होते थे जहां साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में विश्व दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तट तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटियों में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषि कुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से प्रभु बहुत प्रमोदित हुआ करते थे। यहाँ पर पश्यन आश्रम संपदा कहा गया है। ऋषियों के पास उच्च प्रासाद ना थे किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर और रमणीय स्थान लगा उनको वहां से निकलते हुए जब निकले राजा। अट्ठाईसवां श्लोक है। तम आयांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्त परमावर्त वर्ता प्रजापतिम गेत संसते वादित्रय प्रत्युदेयो प्रहर्षिता। मेरे साथ पढ़िए। तम आयांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्ता प्रजापतिम गीत संस्तुति वादित्रय प्रत्युदेयुः प्रहर्षितः। शब्दार्थ है तम उसको आयांतम आया हुआ अभिप्रेत्य समझकर ब्रह्मावर्तात् ब्रह्मावर्त से प्रजा उसकी प्रजा पतिम अपने स्वामी को गीत संस्तुते वादित्रय गीत संस्तुता वाद्य संगीत से प्रत्युदेय स्वागत के लिए आगे आए प्रहर्षिता अत्यधिक प्रसन्न। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई। ब्रह्मावर्त उनका कैपिटल होगा। और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। बहुत सम्मान्य थे स्वयं भगवान। मेरे साथ पढ़े। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य ये एक प्रथा है कि किसी राज्य की राजधानी के नागरिक यात्रा से लौटे और अपने राजा की अगवानी करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के द्वारका लौटने का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उस अवसर पर सभी वर्ग के नागरिकों ने नगर के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में राजधानियां प्राचीरों से घिरी होती थी और प्रवेश के लिए विभिन्न द्वार होते थे। आज भी दिल्ली में अनेक प्राचीन द्वार हैं और कुछ अन्य प्राचीन नगरों में ऐसे द्वार है जहाँ नागरिक एकत्र होकर राजा का स्वागत करते थे। यहाँ पर भी ब्रह्मावर्त की राजधानी बहिर्ष्मती के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सम्राट स्वयं मन का स्वागत अनेक प्रकार की सजावट करके तथा वाद्य यंत्रों द्वारा करने आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। उनके राज्य का नाम था ब्रह्मावर्त की राजधानी थी बहिष्मती। बहिष्मती के नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के स्वयं मनु का स्वागत करने के लिए आ गए सब ये बताया गया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
विषय सरसो निवादी पाचार देश जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त बंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा संजना माता जी।